वाह जी, हमारी चटनी बना के खुद कबाब उड़ा। कल तो बड़े दावे कर रहा था कोई। तुम्हारी इज्जत के ख्याल से चुप हूँ वरना। वरना क्या? मैं सारी दुनिया को बता चुका होता कि निकाह कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। तेरा तर जावे, कहाँ ले गया जलेबी चुक्के? अभी कहाँ तो ना कहे ना मुझे। और मुझे जलेबी? तू जलेबी की तरह कितनी सीधी है पता लग गया है, बताती हूँ तुझे। अब क्या होगा? पता तो लगना ही था ना। और ऐसे अल्लाह, एक फाइल ने पूरे टब्बर को फाइल लगाया हुआ है। नहीं मिली ना? आगे वकील साहब? नहीं। तो गेट पे कौन था? असफी था, अब्बा मियां का पूछने आया था। देख ले मानो, ये अब अम्मा अब्बा के चक्कर में ना सुबह शाम हम लोगों ने जलील होना, अच्छे खासे दूर बैठे थे शरीकों से। लेकिन अब्बा मियां वहीं पे तो गए थे ना बेटो आपा के ससुरालियों से मिलने। बला से जहां भी गए हो तू फाइल ढूंढ है, वरना तेरे प्यो ने ना एक बुरकी हमारे ना गले से नीचे नहीं उतरने देनी है। ये तो नहीं है। देख यही होगी, खोल के देख। क्या हुआ है, क्या देख लिया है, है? नशाई डड्डू जैसी शक्ल क्यों बना ली है? ये तो नेका नाम है इसका, कुकु मामू और बिट्टू आपा का। हाय मैं मर गई बेड़ा तार जाए। हाय कुकु तेरा कख ना रहे। ओ मेरे खुदाया, ना डेट देख कब चढ़ाया ये चालू उसने। ये नहीं हो सकता, डेट तो कल की है। आए, मैं तभी कहूँ मेरी खब्बी आँख कल से ही फड़क रही थी, ऐसे नहीं झुमकों के साथ ठुमके लग रहे थे। ये कुकु के तो मैंने ऐसे गिट्टे सेकने ना ये याद करेगा। इसमें तो अब्बा मियाँ की भी साइन है। लो जी पूरे खानदान ने मिल के मेरे खिलाफ साजिश की है। हक में देखा आपने? ना बता दे मुझको, तेरे मामे ने खोता कुएं में डाल दिया होगा। अपनी पूरी जायदाद उनके नाम पे कर दी है। भाई मानो सब कुछ है। कौन सी साठ बजी थी कुकू के सर में जो बड़ी बहन से पूछे बगैर उसने जुर्रत की इतना बड़ा फैसला करने की। गवाहों के नाम जरा सुन ले। बता दे कौन है खाते का गवाह डड्डू, बता। गौहर, फराज भाई और असफन। देख लो इन सब ने मिल के निकाह वाली पोली पोली टोलकी बजाई है, ये सारे खचरे मिले हुए थे। देखना मानो मैंने इस पूरे खानदान का ऐसा मकूट ठपना है ना कि इन्होंने याद करना है। दे दे मुझे। असफन चूना लगा गया मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। डाल दी ना, डाल दी मेरे सर पे खाक। तुम्हारे सर पर तो सिर्फ खाक डाली है ना, मेरा क्या समझ रहे होंगे कि बिट्टू की माँ तो मर गई है जो खुद ही डोली में चढ़ा दिया। तबस्सुम जहाँ, गलत बात मत करो ना। गलत तो आपने किया अब्बा, और ऊपर से डिठाई देखेंगे मेहमानों के सामने आके बैठ गए। मैं बताने वाला था उनको। क्या बताने लगे थे? कि बेटी का छुप छुपा के निकाह कर आया हूँ और अब आपको घर बुलाकर बताऊंगा। मैम जी आप समझ आए खाऊ प्रोग्राम क्यों चल रहा था? मैंने कहा था अब्बा मियां इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ कसूर तो हमारा है, बीवी का भांजा समझ के एतबार कर लिया और तुमने हमारे ही घर पे नकब लगा ली। बहुत खूब बहुत खूब। लो जी यहाँ तो सारे सेंटी हो रहे हैं। बाबा निकाही तो किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। तुम चुप करो, यकीन तुम्हारे सुसर ने कहा होगा तुमसे ऐसा करने को। है नहीं भाई, शजी ने कोई ऐसी बात नहीं की, और यकीन जानो तन्नो और शजी को तो पता भी नहीं निकाह के बारे में। वाह वीर कुकु क्या कमाल कर दिया, आप लोगों के तो पट से आप पे चलते रहेंगे लेकिन सीने ठंड पा देती। जिंदा रहे मेरा शहजादा।